Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video, and today in this video we are going to discuss the last topic from the unit Electronic Spreadsheet Advanced for class 10 IT 402. And the today's topic is to use the macros in the spreadsheet. And the concepts which you are going to learn in this video are how to use a macro recorder, creating a simple macro, using a macro as a function, passing arguments to a macro, passing arguments as values, macros to work like built-in functions, accessing the cells directly, and sorting the columns using the macros. These all concepts of this topic we are going to discuss in this video. So let us start with that one. देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. यू कैन शेयर ऑल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्रोज. समटाइम्स हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें किसी भी टास्क को रिपीटेडली करना पड़ता है. जैसे कि सपोज वी हैव टू टाइप द स्कूल नेम और द एड्रेस और द कॉन्टैक्ट नंबर, और हमें उसके ऊपर एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग लगानी है, या फिर हमें सेम फॉर्मूला एक पर्टिकुलर सेल में या डिफरेंट शीट्स पे लगाना है. तो सेम काम को जब आपको रिपीटेडली करना है, तो बार बार अगर आप उसे मैनुअली करेंगे तो इट विल टेक टाइम. लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन हो कि हम उसे एक बटन के क्लिक से कर सकें, तो इट विल बी मोर ईजी. सो अगर हम उसे इस तरह से करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो स्टैंडर्डाइज रहता है, ठीक है, और हमारी जो टाइपिंग मिस्टेक है वो कम होती है. इट मेक्स लेस द टाइपिंग मिस्टेक. अब अगर हम मैक्रोस की बात करें तो मैक्रो क्या होता है? मैक्रो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है. और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके क्या हो सकते हैं? सीक्वेंस ऑफ कमांड हो सकती हैं जो वन बाय वन आपने उसमें एग्जीक्यूट की हैं, या फिर आपकी कीज़ हो सकती हैं जो कि की स्ट्रोक्स हैं जिसको आप कितनी भी टाइम अपने प्रोग्राम में या अपनी शीट में यूज़ कर सकते हैं. तो मैक्रो क्या है? एक इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर बहुत सारी अगेन इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अब सिक्वेंस ऑफ एक्शन जो है, दैट इज़ द की स्ट्रोक्स एंड द क्लिक्स, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसे रन कर सकते हैं. इसे हम अभी एक एग्जाम्पल से समझेंगे, बट पहले हम समझते हैं कि मैक्रोस को आपको रिकॉर्ड कैसे करना है, किस मेन्यू पे जाना है, किस ऑप्शन पे जाना है. तो मैक्रो बनाने के लिए स्टूडेंट्स यू हैव टू गो टू द टूल्स मेन्यू. टूल्स मेन्यू में आपको ऑप्शंस नाम का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप जाएंगे लिब्रे ऑफिस और फिर आपने जाना एडवांस्ड पे. दिस इज द टूल्स मेन्यू. इसमें आपका एक ऑप्शंस नाम का ऑप्शन है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस वन ऑप्शंस, एंड द शॉर्टकट की इज ऑल्ट प्लस F12, ठीक है. यहाँ से यू विल सी दिस डायलॉग बॉक्स, इसमें आपका आएगा लिब्रे ऑफिस और इसके नीचे कुछ यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं सब कैटेगरीज, इसमें से आपको चूज करना है एडवांस्ड. ये लेने के बाद आपको यहाँ ऑप्शनल फीचर्स में दिस वन एंड दिस वन टू चेक बॉक्सेस दिखेंगे. फर्स्ट है इनेबल एक्सपेरिमेंटल फीचर्स मे बी अनस्टेबल, सेकेंड है इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग मे बी लिमिटेड. तो आपको सेकेंड वाला जो ऑप्शनल फीचर है ना, इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग, इस पर यहाँ पे क्लिक करना है तो टिक मार्क आ जाएगा. जैसे ही आप ये करोगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई बटन एंड देन ओके बटन. देन आपका जो मैक्रो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है वो आपको टूल्स मेन्यू में दिखाई देगा, लेकिन जब तक आप ये नहीं करते हैं तो रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है. तो इस तरह से आपको इसको रिकॉर्ड करना है. और इस तरह से हम समझते हैं कि पहले हम एक मैक्रो बनाएंगे प्रैक्टिकली, फिर हम समझेंगे कि उसमें करना क्या है, किस तरह से उसकी रिकॉर्डिंग करनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ से एक बार आपकी बुक पे आते हैं, हमारे पास यहाँ पे एनसीईआरटी का पीडीएफ है, उसमें एक मैक्रो बना हुआ है. हम सेम मैक्रो यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे. ये आपकी बुक है, इसमें हम चेक कर लेते हैं किस तरह का मैक्रो बना हुआ है. अब देखो इसमें क्या है, रिकॉर्ड अ मैक्रो टू अप्लाई द फॉलोइंग स्टाइल टू द हेडिंग डेटा एनालिसिस इन द सेल A1. A1 सेल में आपने एक हेडिंग देनी है डेटा एनालिसिस, एंड देन फॉन्ट स्टाइल इसका कुछ है टाइम्स न्यू रोमन, साइज 14, कलर शुड बी ब्लू, एंड सेल A1 टू G1 शुड बी मर्ज एंड सेंटर. तो ये हम बना लेते हैं एक मैक्रो, ठीक है. शीट में पहले ये डेटा लेते हैं, फिर उसको मैक्रो के फॉर्म में बनाएंगे. ऑप्शंस में जाके यहाँ पे आपके पास लिब्रे ऑफिस का ऑप्शन है, इसमें वी हैव द ऑप्शन ऑफ एडवांस्ड, एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू क्लिक ऑन दिस चेक मार्क इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग, देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है. अब आपको मैक्रो को रिकॉर्ड करना है तो आप टूल्स में गए, यहाँ से आप मैक्रोज में जाके रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे जाएंगे. स्टॉप रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है आपके सामने हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे आपने टाइप किया डेटा एनालिसिस, एंड देन यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करके चेंजेस करने हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको इसका साइज करना है 14,
देन यहाँ से आपको इसका फॉन्ट लेना है टाइम्स न्यू रोमन, और कलर यहाँ से आपने लेना है ब्लू। एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट सेल A1 टू G1, और आप इसको क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ से हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा एक मैक्रो बन गया। अब इसमें देखो क्या है, एक्टिविटी में दिया हुआ है स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पे आपने क्लिक करना है, देन बेसिक मैक्रो डायलॉग बॉक्स आपका अपियर होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बेसिक मैक्रोज नाम का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें यहाँ पे आप अपने मैक्रो को सेव करेंगे जहाँ पे इसको यूज़ करके बाद में हम रन करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपकी प्रेजेंट होती है, आपने इसको किसी भी मैक्रो में मॉड्यूल में इसको सेव कर देना है। और किस नाम से सेव कर देना है, फॉर्मेट हेडिंग के नाम से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे देखो बेसिक मैक्रोज डायलॉग बॉक्स है, इसमें मैक्रो का नेम बाय डिफॉल्ट क्या आता है, मेन आता है। और माई मैक्रोज में यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बनी हुई है जो येलो कलर का फोल्डर है, और इसमें मॉड्यूल है मॉड्यूल 1। इसमें दो मैक्रोज है, मेन और सम। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया फॉर्मेट हेडिंग, ये मैक्रो हमने नाम दे दिया। इसके अलावा एप्लीकेशन मैक्रोज में भी आप इसे सेव कर सकते हो, या फिर आप इसे अनटाइटल 1 में भी सेव कर सकते हो, ठीक है। आप किसी में भी इसे सेव कर सकते हैं। हमने इसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के मॉड्यूल 1 में सेव कर दिया विद द नेम फॉर्मेट हेडिंग। तो अभी हमने सेव नहीं किया था, तो इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं फॉर्मेट हेडिंग, एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन, ठीक है। ये हो गया आपका, समझ में आई इतनी चीज़। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और शीट ली है, ठीक है। तो ये चीज़ मैक्रो मेरा सेव तो हो गया, लेकिन अगर मुझे उसे रन करना हो तो कैसे करेंगे, उसको हम समझते हैं। एक बार हम वापस से अपनी PPT पे जाते हैं और इस स्लाइड के ऊपर आते हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि जो मैक्रो है वो सारे कीबोर्ड और माउस एक्शंस को तो रिकॉर्ड करता है जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन ये वाले जो एक्शंस है ना, इनको रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसे कि आपने कोई विंडोज़ ओपन करी किसी भी सॉफ्टवेयर की, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस, कैल्क, राइटर या इम्प्रेस, उनकी विंडोज़ की ओपनिंग को ये सेव नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने किसी दूसरी विंडो में काम किया जहाँ से आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, जैसे कि हमने कैल्क में स्टार्ट की थी, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन आपने साथ में मान लो वर्ड की विंडो ओपन कर दी, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की या लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की ओपन कर दी, तो उस केस में वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं लेगा। देन अगर आप एक विंडो से दूसरी विंडो पे जा रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। नॉट रिकॉर्डेड बोला गया ना, तो इन सब चीज़ों को नहीं रिकॉर्ड करेगा। एक्शंस दैट आर नॉट रिलेटेड टू द स्प्रेडशीट कंटेंट, मान लो स्प्रेडशीट कंटेंट के अलावा कोई और आपके एक्शंस हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, जैसे कि ऑप्शंस जो डायलॉग बॉक्स है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो भी ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। एंड जब आपने मैक्रो को इनेबल कर दिया, तो रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन जो आप लेते हो उस चीज़ को वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन आया, उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन शीट के ऊपर जो काम हो रहा है ना वो रिकॉर्ड होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, सेलेक्शंस को तभी रिकॉर्ड किया जाता है अगर वो कीबोर्ड से की गई हो, यानी कि वहाँ पे कर्सर की मूवमेंट हो रही हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की। माउस की जो मूवमेंट है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एंड जो मैक्रो रिकॉर्डर है वो सिर्फ आपका कैल्क में और राइटर में काम करता है, इन दो सॉफ्टवेयर्स में आपका काम करता है, ठीक है। अब जब हमने मैक्रोज को रिकॉर्ड किया, तो हमने क्या किया, हम यहाँ से टूल्स मेन्यू पे गए, यहाँ से हमने मैक्रोज ऑप्शन लिया, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, रिकॉर्ड मैक्रो। एंड जैसे ही हमने अपना काम कर लिया, जैसे हमने फॉर्मेट हेडिंग नाम का अपना बनाया, उससे पहले हमने क्या किया, स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक किया। दोबारा देखते हैं, आप टूल्स मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से मैक्रोज पे, और मैक्रोज में से आपको जाना है रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। रिकॉर्ड मैक्रो में आपने जो भी कंटेंट रिकॉर्ड करना था रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी है तो आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है, अभी आपने देखा बेसिक मैक्रो वाला, वो ओपन हो गया। इसके अंदर माई मैक्रोज नाम है, एप्लीकेशन मैक्रो है, और आपकी जो जिस शीट के ऊपर आप काम कर रहे हो, फाइल के ऊपर, उसका नाम। तो हमने फर्स्ट वाले में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मॉड्यूल 1 में हमने कोई भी एक मैक्रो बना लेना है। जैसे पहले मैंने इसमें सम बनाया था, अभी मैंने इसमें कौन सा बनाया, फॉर्मेट हेडिंग। अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो उस केस में यहाँ पे सेव का बटन होगा, और जब आपको रन करना होगा तो ये रन का बटन आएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं, रन करने का भी देखते हैं। एक बार इसमें कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि मैक्रो या मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरी का नाम कैसे दिया जाना है, कुछ इसके रूल्स हैं। तो लाइब्रेरी या मैक्रो या मॉड्यूल का नाम कैसे होना चाहिए, इट शुड बिगिन विद अ लेटर A to Z, कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z में से किसी भी लेटर से शुरू होना चाहिए। नॉट कंटेनिंग स्पेसेस, इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए।
And third point is it should not contain any special character except the underscore. जैसे मैं कह सकती हूँ hello at the rate 1 2 3 मैंने कहा, तो इसके अंदर क्या है, डिजिट्स बाद में आ सकते हैं, स्टार्टिंग लेटर से होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो एट द रेट है ना वो एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया, लेकिन हम सिर्फ अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, तो ये गलत नाम हो जाएगा. तो अगर मैं कहूँगी हेलो अंडरस्कोर 1 2 3 तो ये मेरा ठीक नाम है. ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और इसके अंदर आपके स्पेसेस नहीं होने चाहिए और साथ में अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, कि किसका नाम है आपका, किसी मैक्रो का, मॉड्यूल का या लाइब्रेरी का. तो सबसे पहले इसमें क्या होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है. लाइब्रेरी में क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, और मॉड्यूल्स में क्या होते हैं, मैक्रो होते हैं. तो इस तरह से इन तीनों के नाम का आपने ध्यान रखना है. सबसे छोटी चीज़ मैक्रो है, मैक्रो मॉड्यूल्स में, और मॉड्यूल्स किस में है, लाइब्रेरी में. ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स. अब है मैक्रो को रन कैसे करना है. हमने सेल A1 में हेडिंग लिखी थी डेटा एनालिसिस. ठीक है, अब आपको उस मैक्रो को रन करना है किसी दूसरी शीट में. अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना कि जो काम हमने एक पर्टिकुलर सेल एड्रेस पे किसी शीट में किया, वो मैक्रो रन करने के लिए हमें दूसरी शीट के उसी सेल एड्रेस पे जाना पड़ेगा. ये इसके आप लिमिटेशन भी कह सकते हो, एडवांटेज भी कह सकते हो, कि वो जो आपका मैक्रो है वो उसी सेल एड्रेस पे काम करेगा. तो हम दूसरी शीट के सेल A1 पे जाएंगे, देन टूल्स मेन्यू में मैक्रोज में रन मैक्रो में आपको जाना है. टूल्स मेन्यू मैक्रोस और रन मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो के जस्ट नीचे है रन मैक्रो. तो रन मैक्रो पे जब आप जाएंगे, आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा मैक्रो सेलेक्टर के नाम से. आपने क्या किया, आपने माई मैक्रो में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में फॉर्मेट हेडिंग नाम से एक मैक्रो बनाया था. तो मॉड्यूल 1 में आप गए, यहाँ पे आपके मैक्रो का नाम आएगा मेन सम फॉर्मेट हेडिंग इस तरह से. तो आपने अपना मैक्रो चूज करना है और यहाँ से रन बटन पे क्लिक कर देना है, वो मैक्रो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रन हो जाएगा. अब देखो कैसे किया हमने इसको, वापस से हम अपनी फाइल पे जाते हैं. यहाँ से हमने एक शीट 2 ले ली, इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट. ठीक है, डिलीट शीट. शीट 2 में हम गए और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास 10. ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर इसको रन करना है, तो मैंने एक हेडिंग दे दी. यहाँ पे देखो क्या हेडिंग है, डेटा एनालिसिस. अब मैंने क्लास 10 यहाँ पे लिखा, आई विल गो टू टूल्स, आई विल गो टू मैक्रोस, देन आई विल गो टू रन मैक्रो. और यहाँ जाने के बाद आप माई मैक्रो में जाएंगे, माई मैक्रो में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाओगे. इसमें है आपका मॉड्यूल 1, तो इसमें मैंने मेन मैक्रो तो बाय डिफॉल्ट आता है, सम हमने पहले बनाया था. अब है फॉर्मेट हेडिंग, इसके क्लिक करके इस पर हाईलाइट करके आपने क्या कर देना है, रन. तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपने आप यहाँ पे ये चीज़ आ गई, डेटा एनालिसिस आ गया. अब ये इसलिए आया क्योंकि हमने जो कंटेंट है ना वो बाद में लिखा था, और जो हमने फॉर्मेटिंग की थी वो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही की थी, लेकिन कंटेंट भी हमने बाद में लिखा था. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंटेंट को लिख के रखना है और बाद में उसकी रिकॉर्डिंग को शुरू कर. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा एनालिसिस लिखा, अब हमें मैक्रो को रिकॉर्ड करना है. तो टूल्स मेन्यू में जाएंगे, गो टू मैक्रोस, गो टू रिकॉर्ड मैक्रो, एंड ये स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन हाईलाइट हो रहा है. जब आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे, चेंजेस कर लेंगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन. तो यहाँ से आपने इसका साइज करना है, हमने कर दिया 14, और हमने इसका फॉन्ट कर दिया टाइम्स न्यू रोमन. ठीक है, देन इसके बाद यहाँ से हम कलर कर देंगे ब्लू. तो ये फॉर्मेटिंग हमने इस पर अप्लाई कर दी. फिर इसने बोला कि A1 से G1 सेल को आप सेलेक्ट करो और उसे आप क्या कर दो, मर्ज एंड सेंटर कर दो. तो हमने यहाँ से सिलेक्शन किया, एंड देन वी आर गोइंग टू डू इट मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन. ठीक है, अब हमने कर दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग. तो मॉड्यूल माई मैक्रोज में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हमारा एक मॉड्यूल है मॉड्यूल 1. इसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं वो बनाए हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट हेडिंग नाम का मैंने मॉड्यूल ऑलरेडी बनाया हुआ है. इफ़ यू वॉन्ट टू मेक चेंजेस इन दिस वन, आप यहाँ से सेव करोगे तो वो बोलेगा आप ओवरराइट करना चाहते हैं उसको, आप येस कर दो. अगर आप कोई दूसरा नेम देना चाहते हो तो यहाँ पे आप कोई दूसरा नेम दे दो. ठीक है, मैंने इसी को क्या कर दिया, सेव कर दिया. सेव करके ओवरराइट करने के ऑप्शन पे येस बोल दिया. अब यहाँ से आई टेक अनदर शीट, दैट इज शीट 2 क्लास 10. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लास 10 लिखा. अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमने इसको सेलेक्ट किया, टूल्स में गए, यहाँ से आपने जाना है मैक्रोस पे, और फिर आपने जाना है रन मैक्रो पे, और आपके मैक्रो का क्या नेम है, मॉड्यूल 1 में मेरे मैक्रो का नेम था फॉर्मेट हेडिंग. सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन द रन बटन. तो आप देखो क्लास 10 की अगर आप फॉर्मेटिंग देखोगे, साइज इज 14 एंड फॉन्ट इज टाइम्स न्यू रोमन एंड कलर इज नाउ ब्लू.
तो इस तरह से हमने मैक्रो को रिकॉर्ड किया एंड देन हमने उसे रन किया, लेकिन सेम सेल एड्रेस पे किया। जैसे कि डेटा एनालिसिस जो था वो आपका A1 शीट में, A1 सेल में था, और शीट 2 में गए तो A1 सेल पे ही आपकी फॉर्मेटिंग हुई। ऑल्दो हमने इसको मर्ज किया था तो वो चीज़ आपने जो क्लिक के बटन से करी तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन जो आपने बाकी की फॉर्मेटिंग करी वो इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसमें हमने साइज चेंज किया, फोन चेंज किया और कलर को चेंज किया। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ सिंपल मैक्रो। हम किस तरह से एक सिंपल मैक्रो को क्रिएट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है टूल्स, टूल्स में आपको जाना है मैक्रोस पे, और आपने अभी तक लिया है रन मैक्रो एंड रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन, तो आप अब जाएंगे ऑर्गेनाइज मैक्रोज में लिब्रे ऑफिस बेसिक पे। दिस इज द टूल्स मेन्यू, आपने इसमें मैक्रोज ऑप्शन लिया था। अब देखो रिकॉर्ड मैक्रो, रन मैक्रो, एडिट मैक्रो, इसके नीचे आपके पास है ऑर्गेनाइज मैक्रो, इस ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ से जाना है बेसिक पे। देन यहाँ से आपने ऑर्गेनाइजर को ओपन करना है ताकि आपके सामने एक बेसिक मैक्रो ऑर्गेनाइजर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, एंड देन आपने वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनानी है। कैसे? लाइब्रेरी में जाके न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक नई लाइब्रेरी बना सकते हैं। और अगर आपको एक मॉड्यूल बनाना है तो आप इसमें, ये आपके सामने जो बेसिक मैक्रो ऑर्गेनाइजर वाला डायलॉग बॉक्स है ना, इसमें तीन आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, टैब्स हैं, मॉड्यूल्स, डायलॉग्स, लाइब्रेरीज। तो अगर आप मॉड्यूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप मॉड्यूल 1 आपने चूज किया, यहाँ से आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दो। और अगर आपको नई लाइब्रेरी बनानी है तो लाइब्रेरी में जाके आप यहाँ से न्यू बटन पे क्लिक कर दो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी न्यू मॉड्यूल या लाइब्रेरी बना सकते हैं। सो लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स विच इन टर्न इज अ कलेक्शन ऑफ मैक्रोस। तो आपने देखा ना कि यहाँ मॉड्यूल्स के साइड में मैक्रोस के नेम आते हैं, तो मैक्रो जो है वो हमारे किसके अंदर है, मॉड्यूल के अंदर है, और मॉड्यूल्स जो है वो हमारे किसके अंदर है, वो हमारे लाइब्रेरी के अंदर है। तो ये एक हायरार्की है, सबसे बड़ी चीज़ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स हैं, और मॉड्यूल्स में हमारे क्या है, मैक्रोज है। तो इस तरह से हम न्यू लाइब्रेरी और न्यू मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो अब इसको हमने कैसे किया, हम यहाँ से अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क पे जाते हैं, और यहाँ से हम कहाँ पे गए, हेयर ऑन आर लिब्रे ऑफिस कैल्क, यहाँ से हम गए टूल्स, टूल्स में यहाँ गए हम मैक्रोस, और मैक्रोस से हम गए ऑर्गेनाइज मैक्रोस और बेसिक। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा फॉर्मेट हेडिंग नाम से है, इसको हमने यहाँ पे कर दिया ऑर्गेनाइजर। अब यहाँ पे देखो मॉड्यूल्स हैं, डायलॉग्स हैं, लाइब्रेरीज हैं। ये मॉड्यूल 1 आपका बना हुआ है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बाय डिफॉल्ट एक ही मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1। अब मैं अगर यहाँ पे न्यू करूँ तो मेरा एक और मॉड्यूल बन जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे मॉड्यूल 2 ही रखना चाहती हूँ, क्लिक ऑन ओके। अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ और नेम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में मेरे कुछ मैक्रोज हैं, जो कि मेरे कौन से मैक्रोज हैं, मेन, सम, फॉर्मेट हेडिंग, FH। इस तरह से मैं अपने नए मैक्रोज मॉड्यूल 2 में भी बना सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लाइब्रेरीज में आए। लाइब्रेरीज में आने के बाद यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आप मुझे एक और लाइब्रेरी बनानी है माई मैक्रोज के अंदर, तो आई विल गो टू न्यू एंड आई से लाइब्रेरी 1, ना हमारा बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी 1, तो मैंने इसको एज इट इज रहने दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे लाइब्रेरी 1 भी आ गया और स्टैंडर्ड भी आ गया। यहाँ से इसको कर दो आप क्लोज। तो अब आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं माई मैक्रोज को क्लोज करूँ, ये अब मैंने इसको प्लस साइन पे क्लिक किया, ये एक्सपैंड हो गया। एक लाइब्रेरी इसमें है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और एक लाइब्रेरी इसमें और बन गई है जिसमें है लाइब्रेरी, जो है लाइब्रेरी 1। माई मैक्रोज लोकेशन में दो लाइब्रेरी बन गई, जो बाय डिफॉल्ट थी स्टैंडर्ड, और जो मैंने बनाई वो लाइब्रेरी 1। और हर लाइब्रेरी में क्या होते हैं, मॉड्यूल्स। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल 1 था, और लाइब्रेरी जो मैंने लाइब्रेरी 1 बनाई उसमें भी बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल 1 मेरा है, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मॉड्यूल 2 हमने नया बनाया है। ठीक है, अब इस मॉड्यूल 2 में बाय डिफॉल्ट मेन मैक्रो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो हर मॉड्यूल में आपको मिलता है। आप चाहो तो इसमें और नए बना सकते हो। मॉड्यूल 1 में भी मेन था, सम, फॉर्मेट हेडिंग, FH हमने खुद बनाए, और मॉड्यूल 2 में बाय डिफॉल्ट मेन नाम का मैक्रो ऑलरेडी है। सेम वे अगर लाइब्रेरी 1 के आप मॉड्यूल 1 में जाओगे, वहाँ पे भी आपको मेन नाम का एक मैक्रो मिलेगा, आप चाहो तो इसमें और बना सकते हो। ठीक है, अब जो भी हमने जिस भी मॉड्यूल के अंदर जो मैक्रो बनाए हुए हैं, जैसे मैंने फॉर्मेट हेडिंग का बनाया है, आप इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, एडिट वाले बटन पे जाएंगे। अब एडिट वाले बटन पे जाने के बाद ना आपको इसकी सारी वो दिखेगी, मतलब ये जो हमारा काम किया हुआ है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे बेस्ड है, जो हमारी बेसिक लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग इसकी सारी वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन अगर आपको इस लैंग्वेज की नॉलेज है तो ही आप इसमें चेंजेस करो, अदरवाइज आप इसको एज इट इज रहने दो। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि कोडिंग कैसे की जाती है तो आप एडिट ऑप्शन पे जाके देख सकते हो। ठीक है,
यहाँ से हमने इसको कर दिया क्लोज। वापस से हम जाते हैं टूल्स, टूल्स से हम गए मैक्रोस, मैक्रोस से हम गए ऑर्गेनाइज मैक्रोस और बेसिक। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप FH पे जाओगे और यहाँ से आप एडिट पे जाओगे तो आप यहाँ से इस तरह से इसकी कोडिंग को देख सकते हो, विच इज़ इन द लैंग्वेज बेसिक। ठीक है, अब यहाँ पे हम वापस से आते हैं। सपोज अगर हम इसे मिनिमाइज करें दिस थिंग, ठीक है, हम इसे क्या कर देते हैं, हम यहाँ से लाइब्रेरी वन पे चले जाते हैं। लाइब्रेरी वन में हमारे पास मॉड्यूल वन है और मॉड्यूल वन में हमारे पास जो मैक्रो है दैट इज़ द मेन मैक्रो। ठीक है, अब इसके अंदर मॉड्यूल वन में मेरे पास अलग अलग हैं, जैसे कि ये मेरे पास मेन है, ये इसकी कोडिंग है, फिर सम वाले पे आप क्लिक करोगे ये इसकी कोडिंग है, ये फॉर्मेट हेडिंग पे क्लिक किया ये बेसिक लैंग्वेज में इसकी कोडिंग है, और ये FH वाले की, इस तरह से आपकी डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग दिखा रखी है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से कर दिया क्लोज। अब हम वापस से आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसके अंदर हमारे पास है क्रिएट अ सिंपल मैक्रो यूजिंग द बेसिक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस दैट विल डिस्प्ले हेलो इन द डायलॉग बॉक्स स्टोर्ड इन द स्टैंडर्ड मॉड्यूल। एक हमें मैक्रो बनाना है बेसिक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन से, जिसमें क्या डिस्प्ले हो, हेलो डिस्प्ले हो एक डायलॉग बॉक्स में। एक डायलॉग बॉक्स में इस तरह से हेलो लिखा हुआ आ जाए। किसमें बने, स्टैंडर्ड मॉड्यूल में बने आपके। तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या किया, हम टूल्स पे गए, मैक्रोज में गए, ऑर्गेनाइज मैक्रोज, लिब्रे ऑफिस बेसिक, यही जो स्टेप्स अभी हमने किए। ऑर्गेनाइजर में जाएंगे, फिर हमने वहाँ से मॉड्यूल्स टैब लेना है, और मॉड्यूल्स टैब आपने अभी देखा था, उसमें माई मैक्रो फोल्डर में न्यू बटन पे क्लिक करना। ठीक है, हमने नया मैक्रो उसमें, नया मॉड्यूल उसमें बना देना है और उसको नाम दे देना है हेलो। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क पे, टूल्स में गए, मैक्रोज में गए, ऑर्गेनाइज मैक्रोज में जाएंगे, बेसिक में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे ऑर्गेनाइजर पे, यहाँ है मॉड्यूल्स। अब इसने क्या कहा कि मॉड्यूल्स में जाने के बाद आपने क्या कर देना है, माई मैक्रोज फोल्डर में न्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ से मॉड्यूल्स में गए, यहाँ मेरे पास माई मैक्रोज फोल्डर है ये वाला, ठीक है, इसमें मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया। और अब आपको इसको क्या नेम देना है, इसको नाम दे देना है आपने हेलो, एंड देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे आपने इसको नाम दे देना है हेलो, एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो एक नया मॉड्यूल बन गया। देखो माई मैक्रोज में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है, लाइब्रेरी वन मैंने खुद से बनाई थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर ही हमने एक मॉड्यूल बना लिया जिसका नाम है हेलो, वैसे आता है मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, सेलेक्ट हेलो एंड क्लिक एडिट। अब आप एडिट ऑप्शन पे जाओगे ताकि आप इसकी देख सको कि इसके अंदर क्या क्या कोडिंग की गई है, और जहाँ पे आपको सब मेन और एंड सब मिले उसके पहले आपने ये लाइन जो लिखी हुई है प्रिंट हेलो, ये आपने वहाँ पे राइट डाउन कर देना है। जो आपको ये दिख रही है ना प्रिंट हेलो, किसके बीच में, सब मेन और एंड सब के बीच में आपने ये लाइन प्रिंट करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम यहाँ पे वापस से आते हैं, हेलो को सेलेक्ट किया हुआ है, एडिट पे गए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब मेन और एंड सब, इसमें आपने लिखना है प्रिंट, और डबल कोट्स में हमने लिख दिया हेलो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ से कर दिया मिनिमाइज। ठीक है, अब हमने इसको रन करना है, तो टूल्स में गए, मैक्रोज में गए, रन मैक्रो में गए, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मेरा कौन सी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मेरा कौन सा मॉड्यूल है, हेलो मॉड्यूल, एंड देन आई क्लिक ऑन द रन बटन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हेलो नाम का जो मॉड्यूल है बेसिक लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बन चुका है। तो ये हेलो नाम का आपका इस तरह से मॉड्यूल बन गया। ठीक है, तो ये हमने इस तरह का मैक्रो बना दिया। तो हमने एक सिंपल मैक्रो बनाया बेसिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से, जहाँ पे हमने हेलो को डिस्प्ले कराया एज अ डायलॉग बॉक्स जो कि आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सेव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, मैक्रो एज अ फंक्शन। अब हम मैक्रो को एक फंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या है समझने का, एक ऐसी सिचुएशन समझिए जहाँ पे हमें कैलकुलेशन बार 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 करनी है और सेम फॉर्मूला डिफरेंट डेटा पे डिफरेंट शीट्स पे अप्लाई करना है, लेकिन हमने उसके लिए एक फंक्शन नहीं बना रखा। जैसे एक्सेल में आप क्या करते हो, आपको बार बार एवरेज निकालनी है, तो एक आपके पास मेथड होता है कि जिस भी सेल में आपके पास डेटा है उनको सम करते गए प्लस प्लस साइन से, और उसको उतने जितना डेटा है उस उतने नंबर से डिवाइड कर दिया। या फिर आपके पास दूसरा मेथड है कि आपने उसमें डायरेक्ट एवरेज फंक्शन का यूज़ कर लिया।
तो सेम वे हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम इस तरह का एक मैक्रो बना दें ताकि हमारी कैलकुलेशंस हो जाए तो हमारा काम इजी हो जाएगा, हमें फॉर्मूलाज और फंक्शंस को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी जब हम मैक्रो को एज अ फंक्शन बना देंगे, क्योंकि जो नाम हम फंक्शन का देंगे जब हम उसे रन करेंगे वो नाम ऑलरेडी उसमें सेव होगा। तो जैसे एक्सेल में तो मैं एवरेज जो फंक्शन है उसका नाम मुझे याद रखना पड़ रहा है, इसमें ऑलरेडी मैंने एक नाम दिया तो मेरा नाम मेरे उस लाइब्रेरी में सेव्ड है, तो मुझे देखते ही पता लग जाएगा हाँ मेरा ये मैक्रो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस, अभी जो हमने हेलो नाम का मैक्रो बनाया था हमने सब और एंड सब के बीच में लिखा था प्रिंट हेलो, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो फंक्शन और एंड फंक्शन के बीच में लिखी जाएंगी जिससे कि हमारा जो फंक्शन है वो उस काम को कर पाएगा। तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन एम्प्टी भी हो सकता है, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स और वैल्यूज भी हो सकती हैं, और वो कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट भी दिखा सकता है। ठीक है, और जो भी एक्शंस मैक्रो रिकॉर्ड करता है वो एज एन इंस्ट्रक्शन बेसिक लैंग्वेज में रिकॉर्ड होते हैं, आप उस कोड को देख भी सकते हैं एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन तभी करिए जब आपको उसकी नॉलेज हो, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था आपको दिखाया था एडिट बटन पे क्लिक करके, और कैसे आप देख सकते हो टूल्स में मैक्रोज में एडिट ऑप्शन पे जाके। ठीक है, अब देखो जब हमने मैक्रो को एज अ फंक्शन बनाना है तो हमने क्या लिखना है, सबसे पहले लिखोगे फंक्शन, फिर लिखोगे फंक्शन का नाम, फिर फंक्शन नेम के आगे उसकी वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो सब मेन और एंड सब के बीच में नहीं लिखा ना मैंने, वो मैंने डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए किया था, तो हमने लिखा फंक्शन और एंड फंक्शन, ये लिखा फंक्शन, ये फंक्शन का नाम दे दिया शो जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फंक्शन नेम, फिर हमने लिखा फंक्शन नेम इज इक्वल टू वैल्यू, जो यहाँ पे आपने नाम दिया ना शो उसको दोबारा लिखो इक्वल्स टू वैल्यू, अब जो वैल्यू आप दोगे ना वो नंबर भी हो सकती है वो स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है, अगर मैं यहाँ 10 के प्लेस पे लिख रही हूँ हेलो तो मुझे हेलो लिख के इसमें इस तरह से डबल कोट्स या सिंगल कोट्स देने हैं। ठीक है, फिर लिखना है एंड फंक्शन, सिंपल एंड फंक्शन, ये आपके मतलब एज इट इज लिखे जाएंगे, जैसे ही आप इसको रन करोगे ना ये आपने कर दिया, अब आप अपनी लाइब्रेरी ऑफिस लिब्रे ऑफिस कैल्क पे आके किसी भी सेल में अगर इस तरह से लिखोगे इक्वल्स टू शो और ये पैरेंथेसिस दे दिए और आपने प्रेस कर दिया एंटर की, तो आपको ये वैल्यू क्या देगा, इट विल गिव यू द वैल्यू एज 10, अगर आपने हेलो दिया है तो आपको वैल्यू दे देगा हेलो। ठीक है, अब इस फंक्शन में देखो कोई भी आपके आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, इसके आगे आप ऐसे भी लगा सकते हो पैरेंथेसिस, लेकिन अगर आप फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स वाले देते हैं तो आपको करना वही है, बस ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स ले लेनी है और यहाँ पे आपकी वैल्यू के प्लेस पे एक्सप्रेशन आ जाएगा क्योंकि आप कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, तो फंक्शन यहाँ पे नेम दे दिया सम, दो आर्ग्यूमेंट दे दी ए कोमा बी, अब इसी का नाम हमने दोबारा यहाँ लिखा इक्वल्स टू एक्सप्रेशन दे दिया ए प्लस बी, देन लिख दिया एंड फंक्शन, अब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाएंगे किसी भी सेल में लिखेंगे सम 4,5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी परफॉर्म हो गया दैट इज 4 प्लस 5, ये भी कर सकते हो, या फिर मान लो मेरे ए वन सेल में वैल्यू स्टोर्ड है 10, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इक्वल्स टू सम ए 1,6, तो ए वन के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है 10 है और दूसरी वैल्यू क्या है 6 है, तो 10 प्लस 6 आपका आंसर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये है पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स एज वैल्यूज, एक तो है कि आपने सिर्फ इसमें डायरेक्ट वैल्यूज दे दी इस तरह से, और एक है आपने सेल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर लिया, तो हमने जब यहाँ पे ए वन लिखा तो मैं डायरेक्टली सेल को एक्सेस कर रही हूँ जिसके अंदर वैल्यू मेरी क्या है 10 है, इसी कंसेप्ट को कहते हैं एक्सेसिंग द सेल्स डायरेक्टली, और आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यू के फॉर्म में टाइप करने का मतलब है ए और कॉमा बी की जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया वैल्यू लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने वैल्यूज पास की और इस तरह से हमने सेल्स को डायरेक्टली एक्सेस किया, तो यही चीज है फंक्शन हमारा वही है हमने पहले इस तरह से दिया था, तो हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं जिसमें हमने सेल एड्रेस को पास किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम एक बार पर्टिकुलरली करके देखते हैं कैसे करना है, इसको हमने यहाँ से कर दिया क्लोज, ओके यहाँ से हम इसको कर देते हैं क्लोज, हम यहाँ से जाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क पे, हम यहाँ से गए टूल्स मैक्रोस ऑर्गेनाइज मैक्रोस बेसिक, एंड यहाँ से सपोज हम अनटाइटल्ड 1 पे आते हैं, यहाँ से हम आते हैं लाइक मॉड्यूल 2 पे, ठीक है मॉड्यूल 2 पे गए और ये मेन वाला मैक्रो बाय डिफॉल्ट है, मैंने यहाँ से कर दिया इसको एडिट। ठीक है, तो मैंने ये मेरा सिंपल सा एक अभी मेन मैक्रो मेरा बना हुआ है, मैंने इसमें लिखा फंक्शन, यहाँ पे मैंने लिखा शो। ठीक है, इसके बाद आई हैव गिवन लाइक दिस शो इक्वल्स टू 10 एंड देन आई से एंड फंक्शन,
ठीक है, इस तरह से लिखा, इसको हमने यहाँ से कर दिया मिनिमाइज। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ माई फंक्शन? शो। तो मैंने कहा इक्वल्स टू शो लाइक दिस। सो व्हाट वैल्यू इज कमिंग? 10 इज कमिंग। अब सपोज मैं यहाँ से अपनी वैल्यू को चेंज कर दूँ, इस 10 के प्लेस पे मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज हेलो, ठीक है, एंड आई मिनिमाइज इट। एंड अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हटा के डिलीट कर दिया मैंने ये, और यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल्स टू शो, एंड देन आई प्रेस द एंटर की, यहाँ पे क्या आया? हेलो आया। तो जो भी वैल्यू आप देंगे दैट विल कम। अब सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने उस फंक्शन का नाम दे दिया सम, सम, ठीक है, और इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी, ए कॉमा बी, एंड यहाँ पे हम कह देते हैं सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पे हमने कर दिया एंड फंक्शन, ठीक है, मिनिमाइज किया। अब हम अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाते हैं और किसी भी सेल में हाँ लिखते हैं इक्वल्स टू सम। सपोज मैंने कह दिया 6,7, तो 6 + 7 इज वॉट? इट इज 13। आ गया यहाँ पे आंसर। सपोज मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ली हुई है 12, और मैंने यहाँ पे कह दिया इक्वल्स टू सम, एंड जो मेरी 12 वैल्यू है वो मेरे B2 में है, तो मैंने यहाँ पे B2 दे दिया, एंटर कर दिया, तो 12 + 7 कितना हो गया? 19। तो जो हमने सेल एड्रेस दिया वो हमने सेल को डायरेक्टली एक्सेस किया, और जब हमने सिर्फ नंबर पास किया यानी कि हम वैल्यूज को पास कर रहे हैं उसमें, दैट इज द थिंग। तो दोनों चीज़ों से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो टॉपिक बचा है हमारा, दैट इज सॉर्टिंग द कॉलम्स यूजिंग द मैक्रो। मैक्रो बना के हम फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अंदर हम जो भी चेंजेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें ना, तो हम वो भी कर सकते हैं। आपको कौन से मेन्यू में जाना है? आपको डेटा मेन्यू में जाके सॉर्ट मेन्यू में जाना है, लेकिन इसको करने से पहले आपको अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है डेटा मेन्यू, और इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका? सॉर्ट ऑप्शन। सॉर्ट इज एन ऑप्शन, सॉरी, इट्स नॉट अ मेन्यू, ठीक है। तो आप इसको सेम सेल एड्रेसेस पे रन कर सकते हो। देखो अब इसको कैसे करना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क पे गए, ये हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, 5, 4, 6, 7, 2, ठीक है, आई वॉन्ट टू अरेंज इट इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको टूल्स में जाके और यहाँ से मैक्रोज में जाके रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है, ठीक है। अब आपने जाना है डेटा मेन्यू में, अब आप यहाँ से जाएंगे सॉर्ट ऑप्शन पे, आपसे पूछेगा कॉलम कौन सा है, सी है, कोई नाम होता तो वो नाम दिखाता। असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है, हमने असेंडिंग किया, बाकी चीज़ को एज इट इज रहने दो, ओके कर दो, सॉर्ट हो गया है आपका। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में माई मैक्रो में मॉड्यूल 2 में इसको एक नाम दे देते हैं सॉर्ट, ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया? सेव। अभी मेरा डेटा C1 से C5 में है, आई गो टू शीट 1, शीट 2 ली मैंने, C1 से C5 में कुछ डेटा डाला, 10, 9, 3, 4, 2। अब हम यहाँ से जाते हैं टूल्स में, यहाँ से हम जाते हैं मैक्रोज में, यहाँ से हम जाते हैं रन मैक्रो, और हमारा मॉड्यूल 2 में सॉर्ट नाम का मैक्रो है, हमने इसको कर देना है रन। तो आप देखोगे कि जो हमारा डेटा है ना वो सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दूँ, D1 से D5 में मैंने लिखा 4, 3, 6, 7, 2, ठीक है। नाउ आई सेलेक्ट दिस वन, आई गो टू टूल्स, आई गो टू मैक्रोज, देन आई गो टू रन मैक्रो, और मैंने यहाँ से सॉर्ट वाला मैक्रो लिया, एंड देन आई क्लिक ऑन रन ऑप्शन। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, एक्सटेंड सेलेक्शन, करंट सेलेक्शन, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा बना हुआ है मैक्रो वो C1 से C5 पे था, लेकिन D1 से D5 पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सेम सेल एड्रेस पे काम करता है। मैक्रो की एडवांटेज भी कह सकते हो, लिमिटेशन भी कह सकते हो, कि अगर आपने एक शीट में पर्टिकुलर सेल एड्रेसेस के ऊपर वर्क किया है, तो वो दूसरी शीट में उन्हीं सेल एड्रेसेस के ऊपर उस मैक्रो को रन करवाएगा, बाकी सेल एड्रेसेस पर नहीं कराएगा, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एंड आपको वीडियो अगर समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।